हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज क्लास 9 का मैथमेटिक्स का कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था, तो मैं इस वीडियो में सारे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अपने आंसर जो आप टैली कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। 14 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इससे पहले और बात की, अगर किसी की किसी भी सब्जेक्ट में आई है हिंदी, एसएससी, साइंस, तो मैंने हर चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जो फाइनल टर्म के जो पेपर है उनकी वीडियोस भी मैंने डाल रखी है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की, सुन लो मेरी बात। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल जो पेपर में आया था फाइनल टर्म उसकी तरह ही आया है, ठीक है। तो आप उसको भी अच्छे से कर लें, अभी से कर लें पहले से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो इसको क्या करना था, 9 यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लगाना था, मैं पहले लिख के दिखाता हूँ। 9a² 49b² प्लस c² माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac, ठीक है। ये वाला है तो यहाँ फॉर्मूला लगाना था a प्लस बी प्लस सी का और स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। तो 9 किसका होता है, 3 का होता है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमें दे रखा 49, ठीक है। तो 49 जो है वो किसका होता है, 7 का होता है, ठीक है। और उसके बाद ये c का रहेगा। उसके बाद देखो कहाँ माइनस है, ये माइनस है और यह माइनस है। जहां जहां a है, जहां जहां a है वहां माइनस है, तो इसके आगे माइनस लगा देना था। फिर उसके बाद वही सेम लिखना होता है, प्लस 2 लिख के ये दोनों एक साथ, 2 लिख के ये दोनों एक साथ, फिर 2 लिख के ये दोनों एक साथ, ठीक है। और उसके बाद हमें ये तीनों लिख लेने होते हैं, माइनस का 3 है, 7b और c, ठीक है। इसको दो बार लिख देंगे इस तरीके से, एक बार और फिर दो, ठीक है। ये ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन वाला करा है, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन वाला करा है तो ऑप्शन वाला भी देख लो। जब मैंने प्रैक्टिस की वीडियोस बनाई थी ना, जब फाइनल टर्म के पेपर थे, तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने सारे करवाए थे। अब जो बच्चे कहीं नए जुड़े हैं, ठीक है, तो अब उनका पता नहीं ना उनको लगा, कोई बात नहीं, जो हो गया अब हो गया। अब देखो इसको एक बार देख लो, ये इसमें बोला ये निकाल लें, तो इसमें क्या करना था, इसमें स्क्वेयरिंग बोसड़ करनी थी, ठीक है, दोनों वर्ग लेने पर। तो ये पहले क्वेश्चन उतार लो, स्क्वेयरिंग बोसड़ कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हिंदी में लिखना था, दोनों वर्ग लेने पर। तो आपको दोनों वर्ग लेना था, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना होता है। तो इसका फॉर्मूला खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab दोनों एक साथ, इस तरीके से, ठीक है। देखो ये है ना, ये तो इसका पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर, फिर दो लिख के दोनों एक साथ लिखने थे। और यहां पर जो 5/2 है तो कितना हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर 1/x², तो 25/4, ये प्लस का 2 जाके माइनस करो, ये तो कट गया, ठीक है। इस तरीके से इसे करना था। तो इसका एलसीएम ले लो, 4 × 8, ठीक है। तो x² 1/x² तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 में से 8 आप घटा देंगे तो आपके आ जाएंगे 15 × 8 के साथ 17/4 आंसर, ये आपका आंसर आना था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको OAC ये और OBA इन दोनों को 90 के बराबर प्रूव करना था, और AOB जो आपका AOB ये वाला जो एंगल है ये आपको 60 का दे रखा था, ठीक है। तो आपको इन दोनों को टोटल 90 लेकर आना था। तो इसको मैं बताता हूँ कैसे करना था। देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, ये इन्होंने डायमीटर डाल दिया, और ये अब ध्यान देखो ये दोनों रेडियस हैं, त्रिज्या है ना, और अगर त्रिज्या बराबर होती हैं तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और ये इसने बोला ये 60 का है, तो ये दोनों बराबर होंगे तो टोटल 180 होता है, तो 60-60 बचे, ठीक है, कितने बचे, 60-60, क्योंकि भाई टोटल 180 होता है, 60 ही हो गए, 120 बचे, तो आधा तो बांटेंगे 60-60 तो मिलेगा, अभी 60 का है, ठीक है। अब इसने बोल, अब देखो ध्यान से, जब ये सेंटर से ये जब लाइन जारी होती है,
तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 का बनता है। अब ये 90 डिग्री का बनता है तो बच्चों ये 60 का तो 30 का हुआ, अब 30 से 60 90 आ गए, ये प्रूव करने के लिए बोला था कि इन दोनों टोटल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको लिखना किस तरीके से था, तो सबसे पहले तो आप ये बता देंगे दोनों बराबर हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो मैं इसको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, दोबारा से सुन लो मैंने क्या बताया। ये 60 का तो आप बोलोगे AO इक्वल है BO के, तो एंगल A बराबर एंगल B के होगा, एंगल अपोजिट इक्वल 60 सर इक्वल। ठीक है, तो अब ये 60-60 हो गए, तो ये कितने को 90 डिग्री का बोलेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल CAB सेमी सर्कल, अर्धवृत्त बना कोण 90 का होता है, तो 90 में से 60 गए 30, तो 30 और 60 कितना हो गया 90 आ गया। ठीक है, फिर जोड़ के दिखाने का, फिर इसे बोले 105 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। अब 105 डिग्री का आपको एंगल बनाना है, तो कैसे बनाओगे 105 डिग्री का? ठीक है, तो 105 डिग्री के लिए सिंपल सी बात थी, सबसे पहले आपने लाइन डाली, फिर ये 60 का हो गया, 120 का हो गया, इन दोनों के बीच में कितने का आ गया 90 का आ गया, तो 90 और 120 के बीच में कितने का होता है 105 का होता है, बस आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से 105 डिग्री का बनाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, पेपर है ना, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई, मैंने आपको कहा था ना कि जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लो, और मैंने लाइव वीडियो बनाई थी, तो ये तो उसी के जैसा सेम क्वेश्चन ही आ गया। ये H3 दे रखा है और R आपको दे रखा है, सॉरी H आपको 4 दे रखा है, R 3 दे रखा है। ठीक है, ये देखो, तो ये कह रहा है शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल निकालिए, तो CSA ऑफ कोण निकालना है, तो CSA ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो इसके लिए आपको एल निकालना पड़ेगा, एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो R कितना दे रखा है आपको 3 का स्क्वायर, H कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। ठीक है, और 16 × 9 कितना होगा 25, 25 का रूट कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया ना। अब आपको निकालना CSA, तो CSA ऑफ कोण, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तो पाई की वाली इसने कितने बोले देने के लिए, देखो पाई की वाली लिखी है 3.14, तो अगर बोला है तो फिर वही लिखेंगे। R कितना दे रखा है आपको 3, L और L कितना दे रखा है 5, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर की पावर यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ थोड़ा सा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा इसके और में भी था कि जो लेटर सर्फ एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का इतना दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, कह रहे हैं इसका टोटल सर्फ एरिया निकालिए, तो पहले लेटरल से हमें साइड पता लगानी पड़ेगी, फिर हम उसके बाद टोटल में निकालेंगे। तो लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, जो लेटर है ना उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो लेटर का फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स 144 दे रखा है हमें। ठीक है, कितना दे रखा 144, तो फॉर्मूला होता है 4a² = 144 लिख दिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 144, पहले 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, लेटर का मतलब होता है 4 साइड, तो 4 से डिवाइड करो इसको, 4 × 3 = 12 हो गया। ठीक है, दो बच्चे इससे 36 आ गया, तो 36 का रूट कितना होता है आपका 6 होता है। ठीक है, 6 आना था। अब इसे बोले TSA निकालो, क्या निकालो TSA, तो TSA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स तो क्या होता है 6a² होता है। ठीक है, तो 6a कितना दे रखा है आपका, 6a कितना निकाला आपका 6 निकाला। ठीक है, तो 6 × 6 तो 216 सेंटीमीटर की पावर 2 आना था। ठीक है, उसके बाद फटाफट देखो, पांचवा क्वेश्चन में बोला था कि 500 बार उछाला गया, बुक का क्वेश्चन था, बिल्कुल एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, है ना, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कह रहा है कि इतनी बार फेंका गया, प्रायिकता निकालिए। मैंने कहा था ना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आएगा, आसान होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है सबने सही किया होगा। ठीक है, तो पांचवे क्वेश्चन में तो आपको मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी नंबर है इसका, ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हिंदी में प्रायिकता, जिसकी बोलिए ब्रैकेट में लिखो 1 हेड। ठीक है, 1 हेड कितनी बार है 290, अब हमें टोटल कितना है 500, अगर आप डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं,
ठीक है, जैसे काट देते हैं, जैसे 5 चौक 20, 5 5 25, ठीक है, और आप जैसे ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे लगे 5 40, तो 0.58। तो अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से कर दिया, पॉइंट में ले आया, तो अच्छी बात है। अगर इसने इतना छोड़ दिया तो शायद टीचर नंबर ना काटे, पूरा नंबर दे दे। सुन रहे मेरी बात? ठीक है, उसके बाद दूसरे का बोले नो टेल, ये पहले का, ये दूसरे का प्रोबेबिलिटी, नो टेल, तो कोई भी टेल नहीं होगा। तो टेल नो टेल, यानी नो टेल का मतलब होता है दोनों हेड आए होंगे, दोनों हेड आए होंगे। तो 90 अपॉन में 500 करना था, तो जीरो कट जाना था, ठीक है, तो इसका आता था 0.18, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आ गया भाई? नो टेल बोला है तो इनके दोनों हेड हुए होंगे, क्योंकि दो बार सिक्के फेंके गए 500 बार, इस तरीके से था। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब हमारा है 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन में यहां बोला गया क्रिकेट मैच है, ठीक है, उसमें बैट्समैन है, वो 6 बार हिट करता है बाउंड्री को 30 बॉलों में से, तो प्रोबेबिलिटी निकालो उसने हिट करा है, ठीक है, और यहाँ बैटमैन लिख दिया, यहाँ पे शी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पे हिट नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6th क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, तो आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हिंदी में प्रैक्टिकल, और मैंने कहा था कुछ भी समझ ना आए तो पूरी लाइन लिख देना, नहीं तो आप लिख देना शी हिट द बाउंड्री, ठीक है। तो कितना कितनी बार हिट बाउंड्री करी, 6 बटे में टोटल 30, वही काटना हो तो काट देना, ठीक है, 0.2, ठीक है, और उसने बोला उसने बाउंड्री हिट नहीं की होगी, तो दूसरे पॉइंट पे बिल्कुल आसान बना के दे दिया है, और बिल्कुल पासिंग मार्क्स का बिल्कुल सही दिया है। बाकी आपको पेपर के कितने नंबर बने बता देना, ठीक है, और टोटल मिला के 33 बनने चाहिए, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, 0.8 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपसे 7वें नंबर पे बोला गया है, 7वें नंबर पे 2x का स्क्वायर। अब जैसे किसी बच्चे ने अगर 8 क्वेश्चन करे हैं, 7 क्वेश्चन करे, बिल्कुल बिल्कुल सही करे, पक्का पास है, ठीक है, देख लो 14 नंबर बनते नहीं बनते, बाकी टोटल मिला के 33 चाहिए, बस इस बार आपको ग्रेस नहीं मिलेगी, टोटल मिला के आपके 1st 2nd टर्म के 33 होने चाहिए, ठीक है, ये दे रखा है। और इसने बोला सरल कीजिए, बाकी अगर कोई और चीज होती है या कोई और इसके ऊपर अपडेट होता है वो बता दूंगा मैं, ठीक है, कंफर्म करके, ये हो गया। अब इसने बोला इसे सॉल्व करो, तो देखो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक साथ भी कर सकते हैं, तो एक साथ करते हैं तो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a² + b² ठीक है प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एक साथ करेंगे, a लिखा 2x - 5y माइनस b कितना है 2x + 5y - हो जाएगा, ठीक है भाई, देखो यहाँ माइनस है ना, दोनों के साइन चेंज होने से। उसके बाद a का स्क्वायर, ये पहले वाले पे स्क्वायर लगा दिया, फिर उसके बाद प्लस दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, अब बच्चा पुटिंग करते तो इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है, फिर प्लस लिखा, दोनों एक साथ लिख दिया 2x - 5y 2x + 5y, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये मैंने साइन चेंज कर दिया, तो देखो प्लस का 2x से माइनस का ही कट गए, 5 और 5 कितने हो गए माइनस के 10 है, 10y हो गए, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, पहले वाले पे स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आता नहीं, मैंने दी को होल स्क्वायर का, पहले वाले के ऊपर स्क्वायर, फिर दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर, माइनस लिखा तो माइनस लिख के 2 लिखकर दोनों एक साथ, 2 लिख के दोनों एक साथ, ठीक है। मैं फॉर्मूले के हिसाब से नहीं बोल रहा, मतलब जिससे आराम समझ में आ जाए वो, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 2 लिख के दोनों एक साथ, क्योंकि प्लस है तो प्लस आता है, ठीक है। उसके बाद आगे भी है इसके, ये अब देखो a + b a - b, जब ये ऐसा होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पहले वाले के ऊपर स्क्वायर और उसके बाद दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। आप फटाफट देखो कौन कट रहा है, यहाँ तो आगे माइनस का 10y, यहाँ देखो 2x² प्लस का, ये प्लस का नहीं कट रहा, ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, ठीक है, और देखो ये पूरा सेम है ना, ये दोनों कट गए, ठीक है, समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। अब आगे देखो, तो ये कितना मेरे 2x² कितना हो गया, 4x² हो गया, और ये कट गया, ये कट गया, ये देखो 2x 4x का स्क्वायर हो गया,
फाइव फाइव कितना, 25 वाई का स्क्वायर हो गया, 2 2 कितना था, 4x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और आगे देखो, जिसका ठीक था ठीक था, नहीं तो आगे कर लेना। 4 4 कितना हो गया, 8, 12, 12x का स्क्वायर और 25y का स्क्वायर, ये आंसर होना था। ठीक है, इस तरीके से करना था। जैसे इस वाले को इससे भी काट सकते थे, नहीं इस ये तो नहीं कटेगा, मतलब इस वाले को इससे भी काट सकते थे। ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना आपको? चलो आगे देखो, आठवां क्वेश्चन देखो। अब एक्स की पावर 6 है और ये 64 है। ठीक है, तो इसमें खोलना था, जैसे 60 ये है ना 6, तो इसको ऐसे करना था, 3 अंदर कर लो 2 बाहर कर लो, ऐसे 64 है तो 8 अंदर कर लो 2 बाहर कर लो, तो 8 की 8 मल्टीप्लाई करो 64 तो आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको खोलो, ये आ गया ए माइनस बी, ए पर माइनस में लिख दिया, एक बार इसको हमने प्लस में लिख दिया, और इसको खोलो, अगर 3 है ना खोलो इसको, तो यहाँ ये ऐसे हो गया, 8 का क्या हो गया 2 की पावर 3, ऐसे इसको खोलो। ठीक है, इसको खोलना है, जैसे अभी ये हम जो ये कर रहे थे ना, है ना, ये ऐसे इसको खोलते रहेंगे खोलते रहेंगे। खोलो इसको, फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले के स्क्वायर, फिर दो लीन लिखते हैं इसमें, दोनों एक साथ लिख देते हैं, ऐसे इसमें करो, ये लगाया पहले वाले के ऊपर स्क्वायर, दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर, फिर स्क्वायर माइनस लिखकर दोनों एक साथ लिख देते हैं, एक्स और 2। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब आगे लिखो, देखो ये दोनों है, इनको एक साथ लिख लो और इसको सॉल्व करो, ए का स्क्वायर 2 2 4, इसका आ जाएगा 2x, और इसका क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर 4 और 2x। ठीक है, इतना आंसर छोड़ दो, इसको खोलना था, एक्सपेंड करना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको ये बुक का क्वेश्चन था, और मैंने आपको बोला भी था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, और पेपर में भी देखा होगा आपने, है ना, तो आया ये, तो इसको मैं बिल्कुल मैं रिटर्न में नहीं करवा रहा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको। देखो, इसे मिड पॉइंट थ्योरम से करना था। देखो बच्चों, ये जो है ना, ये जो है मिड पॉइंट दे रखा है, ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये जो मिड पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर हो गए, समझ में आ गया? अब सुनो, ये इनने पैरेललोग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम। अब ध्यान सुनो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये पूरी लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो ये छोटी लाइन भी इसके पैरेलल होगी, तो ये इसके पैरेलल है और इसके बराबर भी है, क्योंकि जब पूरा पूरा हिस्सा इसके बराबर है, तो आधा आधा हिस्सा ये दोनों बराबर है, आधा इससे बराबर है, तो ये दो इसका इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर, तो ये पूरा हिस्सा इसके बराबर, तो ये आधा हिस्सा इसके बराबर, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। ये पूरा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, पूरा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब जब पैरेललोग्राम ये पूरा बन गया, तो इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल है, और ऐसे ही ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। ठीक है, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में हर चीज बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ गया तक? अब ये पूरी साइड इसके पैरेलल है, तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, फिर जिन्होंने कर रखा है ना उनको समझ में आ गया, बाकी आगे कर सकते हैं। ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि दोनों बराबर हो गए मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, कन्वर्स वाली, ये मिड पॉइंट हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब ऐसे ही इस वाले में आ जाओ, देखो इस वाले में हमने प्रूव कर दिया ना, ये इसके पैरेलल है। अब देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है ना, तो अगर ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। अब ये हिस्सा इसके बराबर है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर है, ये हिस्सा इसके बराबर है, तो तीनों बराबर हो गए। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है, ये हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, अब आगे देखो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है, ये नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर बोला गया कि एक्स पी जेड जो ये वाला एंगल है अंदर वाला, कह रहा है एक्स जेड वाई ये वाला एंगल, और एक्स वाई एक्स जेड, ये
इन दोनों को जोड़ के डबल कर दोगे तो ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये कह रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल होता है, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक है, 10.8 थ्योरम, ये सेंटर होता है, ठीक है, तो सेंटर ये कोड है ना, ये कोड एक सेंटर पे एंगल बना रही है और एक सर्कमफेरेंस बना रही है, तो सेंटर वाला जो एंगल होता है वो डबल होता है। जैसे अगर ये 60 का है तो ये 30 का होगा, है ना, होगा ना। अब यहाँ ध्यान सुनो, ऐसे 30 का तो 60 का होगा, तो यहाँ ध्यान दो, एक्स वाई कोड ले लो, ठीक है, एक्स वाई क्या ले लो, कोड ले लो। जब एक्स वाई कोड है तो इस कोड पे एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये रहा बन रहा है ना, और एक बन रहा है ये वाला, तो आप क्या लिखोगे कि एंगल एक्स पी वाई बराबर डबल होगा एंगल एक्स जेड वाई का, ठीक है ना। एक्स पी वाई ये वाला जो एंगल है वो डबल होगा एक्स जेड वाई का, क्योंकि इस कोड से एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, एक सर्कमफेरेंस बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन आगे कौन सी कोड ली थी मैंने, एक्स वाई ली थी। फिर अब ले लो वाई जेड कोड, ले लो कौन सी कोड ले लो, वाई जेड। जब आप वाई जेड कोड लोगे डियर स्टूडेंट्स, तो वाई जेड से कौन सा बन रहा है, ध्यान देखो, एक बन रहा है ये वाला, कौन सा, वाई पी जेड, ठीक है, सेंटर पे, और कौन सा बन रहा है दूसरा, दूसरा बन रहा है डबल कर देंगे वाई एक्स जेड, ठीक है। तो ये दो हो गए, तो इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो एक्स पी वाई प्लस वाई पी जेड बराबर टू, दोनों में कॉमन ले लो, एक्स जेड वाई प्लस वाई एक्स जेड, एंगल लगा लेना, ठीक है, थोड़ा रफ में बता रहा हूँ ना। तो इन दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, देखो एक्स पी वाई और यहाँ पे वाई पी जेड, वाई पी जेड जोड़ो, तो पूरा क्या बन गया, एक्स पी जेड नहीं बन गया, ये प्रूव करना था ना, तो यही तो प्रूव करना था, एक्स पी जेड बराबर, ये देखो मैंने दोनों दोनों में ना दो, तो दो बाहर रख लिया, इसके साथ दो लिखता, इसके साथ दो लिखता, फिर कॉमन ले लेता, मैंने एक स्टेप कम कर दिया, ठीक है। अगर आप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। अभी वीडियो उसमें रुक गई थी ओवरहीटिंग की वजह से, तो मैं आपको शॉर्ट में बाकी बता रहा हूँ। तो बाद में लास्ट में ये लाइन लिख देनी थी, उसके बाद ये जो था आपको कर्व से एरिया दे रखा था, तो आपको वॉल्यूम निकालना था, तो इससे पहले आपको हाइट निकालनी थी, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए पहले आपको एल निकालना था, ठीक है, तो आपको पाई आर एल की वैल्यू 550 लिखनी थी, ठीक है। तो ऐसे पाई की वैल्यू 5/7, आर आपका 7 दे रखा है, एल निकाल लोगे, और एल निकालने के बाद मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर एच निकालना था, एच निकालने के लिए एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर करना था, ये निकालने के बाद फिर वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, ये 10 चैप्टर का बुक के क्वेश्चन है, आप देख लेना, ठीक है, ठीक है, आगे देखो, और ये भी आपको बुक से मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से 8.2 में मिलेगा आपको, बुक का क्वेश्चन था। अब ये कंस्ट्रक्शन देख लो कैसे बनानी थी, यहाँ पर पी आर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू दे रखा, ठीक है, उल्टा दे रखा, थर्ड क्वेश्चन था बुक का, पहले क्यू हुआ 6 बनाना था, फिर क्यू पे 60 डिग्री का बनाना था, नीचे ले जाना था, वहाँ 2 काट देना था, फिर इसको मिलाना था, इसका बाइसेक करना था, तो ये पी आएगा, इस पी को मिलाना था, तो हमारा आंसर आ जाता पी क्यू, ठीक है, बुक का क्वेश्चन आया था, बुक का थर्ड क्वेश्चन। फिर ये कह रहा है कि जो बस स्टॉप है, ठीक है, उसमें 50 खोखले हैं, ठीक है, तो इसने बोला है कि उसका व्यास इतना, ऊंचाई इतनी है, तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर निकालिए। देखिए बुक का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 13 में आप देख लेना, कौन वाले एक्सरसाइज में, ठीक है, तो इसमें आपको पाई आर एल का फॉर्मूला लगाना था, फिर 50 से मल्टीप्लाई करना था, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना था, ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ बुक से है, 13 में से कर लेना। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि इनको एक वर्ग बना दिए, इस तरीके के स्क्वायर बन गया, केस स्टडी है ना। फिर इसने बोला इस वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए बहुपद लिखिए, तो ये अच्छा, इस वर्ग के क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए बहुपद, आपको पहले बहुपद बनाना था, तो इसका बहुपद बता देता हूँ। देखो जब आप इसे पढ़ोगे तो वो बोल रहा है कि इस बच्चे ने एक स्क्वायर बना दिया, तो इसका एरिया आपको निकालना, तो ये प्लस करके आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पता होगा स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, तो साइड कितने, इसके एक्स प्लस टू, और इसी को एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको दिखाना था, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके दिखा देनी थी, ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का स्क्वायर 4x+4 ये आना था। अब सेकंड देखो, इसका सेकंड बोला गया कि अगर ये रेक्टेंगल का है एरिया, तो इसकी साइड निकालिए, तो 4 × 4 हो गया, ठीक है, ऐड करने पर 4 चाहिए, ठीक है, और
सॉरी ऐड करने पर 5 चाहिए, तो 4 एकम 4 ले लेंगे, तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस 4, तो इसके दो ग्रुप ऐसे बना लेने थे, फिर x माइनस 4 थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। 1 कॉमन ले लेना था, मैंने कहा था ना ऐसा फैक्टर्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो x माइनस 1 इस तरीके से आंसर आना था, ठीक है। और होप आप सबका पेपर अच्छा हो, आप सब पास हो जाए अच्छे नंबर से, और इसी कामना के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर यूर ऑल डियर स्टूडेंट्स।